ये जो प्लेस है ये मुंबई से एक आध घंटे के रास्ते पे है, जहाँ पे ये हमने एक छोटा सा हमारा होम गार्डन बनाया हुआ है। सो शी इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ टेकिंग नाउ हाँ शी इज़ टेकिंग नाउ मुरिंगा लीव्स फॉर मी एंड फॉर माई टीम टू मेक अ सब्जी। सो दिस इज करेला बेल, अभी भी यहाँ पे कुछ जा रहे हैं। और ये है कृष्ण कमल, नीले वाले, अभी इनमें थोड़ा बहर कम हो गया है, वरना बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे लगी हुई है ये हमारी अपराजिता की बेल, तो हमारे लिए ब्लूटूथ का टी का बंदोबस्त हो जाता है। और ये मैंगो के ट्रीज है, अभी छोटे हैं पर आ जाते हैं बहुत सारे। ये नागचंपा का प्लांट है, मतलब ये छोटी सी एक जगह है जिसको हमने यहाँ पे होम गार्डनिंग कर दिया है। आप उसको होम गार्डनिंग कहिए या फिर खेत कहिए, कुछ भी कहिए, यहाँ पे देखना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है, हमने उनको अभी तक निकाला नहीं है। ये गुलाब का फूल आया हुआ है बढ़िया सा, ये चंपा है, चंपा का प्लांट है, देखना छोटे छोटे से बर्ड्स है उसके ऊपर। अब हम अगले साल यहाँ पे प्लांट रोपाई बनाना भी शुरू कर देंगे, ताकि इन रोपों के साथ में देखना ये भिंडी का पौधा एक बचा हुआ है, हमने भिंडी छोड़ दी है बीज बनाने के लिए। वहाँ पे और भी बहुत सारा है, देखना ये और एक चंपा का प्लांट है। आज यहाँ पे हमने कुछ सैपलिंग्स लगा दिए, मैंने सैपलिंग्स तैयार किए थे, तो उसमें झंडू का सैपलिंग है, ये देखना एलोवेरा है। मतलब यहाँ पे हमने पहले ना कोई प्लान नहीं किया हुआ था और यहाँ पे चल ही रहा था। जैसे अभी ये लाल सब्जी ख़त्म होते आई है, उसी के बीज गिर गए हैं, तो बीज में से अब अगले साल के लिए हमें अपने आप से ही प्लांट्स मिल जाएंगे। ये भिंडी के प्लांट्स हैं, देखना मुरिंगा के पेड़ के बराबर भिंडी ऊपर चढ़ रही है, तो मतलब अगर भिंडी निकालनी होती है तो प्लांट को नीचे झुका के निकालनी होती है। ये है केले का पौधा, ये है एक बात फिर से मैं वापस जाती हूँ, देखना तुलसी लगी हुई है जगह जगह पे। फिर ये जो है इलायची केले का पौधा है, और वो पेरू है जो मैंने कल निकाले थे और आपको फ़ोटो भेजी थी। ये बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर आके ना पंछी आकर के खा जाते हैं, और बहुत ऊपर के जो पेरू हम नहीं निकाल सकते वो हम पंछियों के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ नीचे नीचे से है वो हम निकाल लेते हैं अपने खाने के लिए। मुरिंगा के दो तीन प्लांट्स हैं, तो मुरिंगा की सब्जी बनती है यहाँ पे। ये भिंडी है, ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे बहुत सारे केले के लगा दिए हैं। पपीते का प्लांट था, खराब हो गया है, अभी हम इस फिर से एक पपीता लगाने हैं एक दो। और इस तरह से कुछ पौधे हमने लगाए हुए हैं, तो ये इतनी छोटी सी जगह में हमने ये सारा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको हम अब बदलते भी जाएंगे, जैसे आज यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी डाली हुई है जो हमने बेड तैयार किए हुए है। यहाँ पे भी तुलसी के पौधे हैं, ये तूती है, हाँ माय सिस्टर इज टेलिंग पपीता इज देयर सो आई विल शो यू दैट। ये देखना जासवंदी है, हिबिस्कस, और यहाँ पे देखना ये भोपले का ये आया हुआ है। इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे बेड्स भी तैयार किए हुए हैं। अब बारिश हो रही है यहाँ पे, तो करना मुश्किल हो जा रहा है थोड़ा सा, तो और धीरे 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 देखना कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, तो मैं फिर से एक बार यहीं से जाऊंगी। तो ये ग्रीन वेजिटेबल था, ये यहाँ पे तो बरसों से आ रहे हैं प्लांट्स। ये देखना मोगरा है यहाँ पे, ये
जाई जुई की बेल है, सफेद फूल, ये हमें दूब लगती है हमें, तो हमने ये इस तरह से लगा दिया है, तो ये थोड़ा सा शो भी हो जाता है। ये लक्ष्मी तरु है मेरे पास में, अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पर तो हम उसको मेडिसिनली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो हम ऐसे ही चाय और काढ़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। वहाँ पे देखना हल्दी लगी हुई है, यहाँ पे ये सूरन है। अब सूरन ये साल शायद मिल जाएगा हमें अच्छे से। और ये देखना ये कस्टर्ड एप्पल्स है, सीताफल जिसको कहते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत आए हुए हैं। अभी हमने निकाले नहीं हैं, इसको पकने के लिए रख दिया है, थोड़ा बहुत पक जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। ये है हरसिंगार जिसकी भी चाय बनती है सुबह में। इसके ये जो लीव्स होते हैं ना, आगे के छोटे लीव्स जो है, इसको कट करके आप इसको चाय बना सकते हो। तो ये देखना ये कुछ बेडल बनाए हुए हैं। आज ये अरबी के पत्तों की सब्ज़ी भी बनी, मतलब वड़ी बनी हुई है। हमारे इधर अड़ूची वड़ी बनौता, तो वो बनी हुई है आज मेरे लिए। ये केना और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और ये सब लाए हुए हैं। अभी ये धीरे 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 लग जाएंगे अलग अलग तरह के। इसमें अभी इस बार हम लाल कलर के फ्लावर्स भी लेके आए हैं, कृष्ण कमल रेड कलर का। ये कनेर है, क्योंकि हमें अस्त्र बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती है, तो हम लेके आए हैं। ये चौले की बेल लगी हुई है, वो जो मैंने पम्पकिन की बेल बताई थी, भोपड़ा जिसको हम कहते हैं, वो जो है दिख रहा है आपको, तूती का प्लांट है। यहाँ पे भी केले के पत्ते हैं बहुत, तो हम खाना खाने के लिए, मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसी के ऊपर खाना खा लेती हूँ। खाने का मज़ा कुछ और ही रहता है। और देखना यहाँ पे ये दो है पेड़ पपीते के लगाए हुए, तो और भी हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का ये जो पपीता है देसी पपीता, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। मतलब यहाँ के आसपास के गांव के लोग जो है ये पपीता लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, जब भी पपीते होते हैं यहाँ पे उसके पास में, कि हमें पपीता चाहिए करके। तो ये इस तरह से है अपना, एक छोटा सा स्पेस है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब हम इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो भी कोर्सेस होते हैं उसके बाद में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी बारिश हो रही है तो इसके वजह से कुछ हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो बारिश के सीज़न के बाद में ये सब कटाई होगी और फिर वो सारा कंपोस्ट में चला जाएगा हमारा, और उसके बाद में हम उसको ये कर देंगे।